ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टीवी रखी हुई है, एक नए जनरेशन की टीवी है, एलईडी टीवी है, और दूसरी टीवी जो है वो पुरानी टीवी है, सीआरटी मॉनिटर जिसे कहते हैं। और यहाँ एक जियो फोन रखा हुआ है और एक केबल है, केबल के साथ कन्वर्टर है, इसे कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसे पहले नई जनरेशन की टीवी में लगाया गया है, आप इसे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जो मोबाइल जियो फोन के कंटेंट हैं, जैसे जियो टीवी या फिर जियो सिनेमा, तो उसे आप उस टीवी पर आराम से देख सकेंगे बिना बफरिंग के। और इसके लिए केबल के साथ एक कन्वर्टर आता है, जो आपको अगर छोटा पड़ रहा है वायर तो इसे बड़ा कर सकते हैं, एक्सटेंशन है इसका। इसके अलावा एक कन्वर्टर भी है जिसे सीआरटी मॉनिटर के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। और फिलहाल ये जो जियो फोन केबल है, जियो टीवी केबल है, ये मिलना शुरू नहीं हुआ है, और इस फ़ोन के साथ जियो टीवी केबल शिप नहीं किया जाएगा, इसे अलग से ख़रीदना होगा। और जैसे अब ये सीआरटी मॉनिटर रखा हुआ है, अगर इसमें आपको कनेक्ट करना है तो आप केबल को लगाएंगे इसमें, और वो एक कन्वर्टर के साथ सीआरटी मॉनिटर में कनेक्ट कर लेंगे, और फिर मोबाइल के कंटेंट इस टीवी पे, जो पुरानी टीवी है घर पर रखी हुई, इस पर चलने लगेगी बिना बफरिंग के। और यहाँ एक नेविगेशन की भी दिया गया है जिससे आप फिल्मों को आगे पीछे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। ये जैसा कि आपने देखा, ये प्ले हो गई, टीवी सीरीज़ प्ले हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं तीन जो पुरानी टीवी में लगती है, तो वो कन्वर्टर से चेंज हो जाएगा, जिसे आप पुरानी टीवी पे आराम से लगा सकते हैं। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ केबल लगाना है और वो सारे कंटेंट टीवी पे खुद से चले जाएंगे। खास बात यह है कि अगर फ़ोन भी आएगा इसी बीच, या फिर आप दूसरे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो टीवी नहीं रुकेगी, वो ऐसे ही चलती रहेगी, और साथ में आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा, चार्जिंग भी ख़त्म होने की समस्या नहीं होगी। और जियो टीवी देख सकते हैं, जियो सिनेमा देख सकते हैं, और इस पे न्यूज़ चैनल्स हैं सारे, वो लाइव देख सकते हैं बिना बफरिंग के, जैसा कि आप अभी भी यहाँ देख पा रहे हैं। हमने पहले भी जियो फ़ोन के बारे में आपको बताया है, बिना बफरिंग के चलता है, तो ये इसकी खासियत है। फ़िलहाल बाज़ार में ये उपलब्ध नहीं है।